शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जो शख्स हद से निकल जाए और अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान न लाए, हम उसको ऐसा ही बदला देती हैं और आखिरत का अजाब बहुत सख्त और हमेशा बाकी रहने वाला है। तो क्या ये बात इन लोगों के लिए मूजिब हिदायत न हुई कि हम इनसे पहले बहुत से फिरकों को हलाक कर चुके हैं जिनके रहने के मकामात में ये चलते फिरते हैं। अक्ल वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। और अगर एक बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले सादिर और जजाए आमाल के लिए एक मियाद मुकर्रर न हो चुकी होती तो नुजूल अजाब लाजिम हो जाता। बस जो कुछ ये बकवास करते हैं उस पर सब्र करो और सूरज के निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तस्बीह तहमीद किया करो और रात की कुछ घड़ियों में भी उसकी तस्बीह किया करो और दिन के मुख्तलिफ औकात यानी दोपहर के वक्त भी, ताकि तुम खुश हो जाओ। और कई तरह के लोगों को जो हमने दुनिया की जिंदगी में आराइश की चीजों से नवाजा है ताकि उनकी आजमाइश करें, उन पर निगाह न करना। और तुम्हारे परवरदिगार की अता फरमाई हुई रोजी बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है। और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करो और उस पर कायम रहो। हम तुमसे रोजी के खास्तगार नहीं बल्कि तुम्हें हम रोजी देते हैं और नेक अंजाम अहले तकवा का है। और कहते हैं कि ये पैगंबर अपने परवरदिगार की तरफ से हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं लाए? क्या इनके पास पहली किताबों की निशानी नहीं आई? और अगर हम इनको पैगंबर के भेजने से पेशतर किसी अजाब से हलाक कर देते तो ये कहते कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमारी तरफ कोई पैगंबर क्यों ना भेजा कि हम जलील और रुस्वा होने से पहले तेरे अहकाम की पैरवी करते? कह दो कि सब नताइज आमाल के मुंतजिर हैं, सो तुम भी मुंतजिर रहो, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि दीन के सीधे रस्ते पर चलने वाले कौन हैं और जन्नत की तरफ राह पाने वाले कौन हैं, हम या तुम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों का हिसाब आमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं और जालिम लोग आपस में चुपके चुपके बातें करते हैं कि ये शख्स कुछ भी नहीं मगर तुम्हारे जैसा आदमी है, तो तुम आंखों देखे जादू की लपेट में क्यों आते हो? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बात आसमान और जमीन में कही जाती है मेरा परवरदिगार उसे जानता है और वो सुनने वाला है जानने वाला है। बल्कि जालिम कहने लगे कि ये कुरान परेशान बातें हैं जो ख्वाब में देख ली हैं, नहीं बल्कि इसने इसको अपनी तरफ से बना लिया है, नहीं बल्कि ये एक शायर है, तो जैसे पहले पैगंबर निशानियां देकर भेजे गए थे उसी तरह ये भी हमारे पास कोई निशानी लाए। इनसे पहले जिन बस्तियों को हमने हलाक किया वो ईमान नहीं लाती थीं, तो क्या ये ईमान ले आएंगे? और हमने तुमसे पहले आदमी ही पैगंबर बनाकर भेजे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे, अगर तुम नहीं जानते तो जो याद रखते हैं उनसे पूछ लो। और हमने उनके ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि खाना न खाएं और न वो हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने उनके बारे में अपना वादा सच्चा कर दिया तो उनको और जिसको चाहा नजात दी और हद से निकल जाने वालों को हलाक कर दिया। हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा तस्करा है, क्या तुम नहीं समझते? और हमने बहुत सी बस्तियों को जो जालिम थीं पीस डाला और उनके बाद और लोग पैदा कर दिए। जब उन्होंने हमारे अजाब को देखा तो लगे उससे भागने। मत भागो और जिन नेमतों में तुम ऐशो आसाइश करते थे उनकी और अपने घरों की तरफ लौट जाओ, शायद तुमसे इस बारे में दरियाफ्त किया जाए। कहने लगे हाय शामत, बेशक हम जालिम थे, तो वो बराबर इसी तरह पुकारते रहे यहां तक कि हमने उनको खेती की तरह काट कर और आग की तरह बुझा कर ढेर कर दिया। और हमने आसमान और जमीन को और जो मखलूकात इन दोनों के दरमियान है उसको खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं किया। अगर हम चाहते कि खेल की चीजें बनाएं तो अगर हमको करना ही होता तो हम अपने पास से बना लेते, नहीं बल्कि हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं तो वो उसका सर तोड़ देता है और झूठ उसी वक्त नाबूद हो जाता है। और जो बातें तुम बनाते हो उनसे तुम्हारी ही खराबी है।
और जो लोग आसमानों में और जो जमीन में हैं सब उसी का माल हैं, और जो फरिश्ते उसके पास हैं वो उसकी इबादत से न तकब्बुर करते हैं और न उकताते हैं, रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं, न थकते हैं न थमते हैं। भला लोगों ने जो जमीन की चीजों से बास को माबूद बना लिया है तो क्या वो उनको मरने के बाद उठा खड़ा करेंगे? अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो जमीन और आसमान दरहम बरहम हो जाते। जो बातें ये लोग बनाते हैं तो अल्लाह जो मालिक अर्श है उन बातों से पाक है। वो जो काम करता है उसकी पुरसिश नहीं होगी, और जो काम ये लोग करते हैं उसकी इनसे पुरसिश होगी। क्या लोगों ने अल्लाह को छोड़कर और माबूद बना लिए हैं? कह दो कि इस बात पर अपनी दलील पेश करो, ये मेरी और मेरे साथ वालों की किताब भी है, और जो मुझसे पहले पैगंबर हुए हैं उनकी किताबें भी हैं। बल्कि बात यह है कि इनमें अक्सर हक बात को नहीं जानते और इसलिए इससे मुंह फेर लेते हैं, और जो पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे उनकी तरफ यही वही भेजी कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो मेरी ही इबादत करो, और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है, वो पाक है, उसके ना बेटा है ना बेटी, बल्कि जिनको ये लोग उसके बेटे बेटियां समझते हैं वो उसके इज्जत वाले बंदे हैं, उसके आगे बढ़कर बोल नहीं सकते और उसके हुक्म पर अमल करते हैं। जो कुछ उनके आगे हो चुका है और जो पीछे होगा वो सबसे वाकिफ है, और वो उसके पास किसी की सिफारिश नहीं कर सकते मगर उस शख्स की जिससे अल्लाह खुश हो, और वो उसकी हैबत से डरते रहते हैं। और जो शख्स उनमें से ये कहे कि अल्लाह के सिवा मैं भी माबूद हूं तो उसे हम दोजख की सजा देंगे, जालिमों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे तो हमने उनको जुदा जुदा कर दिया, और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते? और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि वो लोगों को लेकर डोलने न लगे, और उसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग उन पर चलें, और आसमान को महफूज छत बनाया, इस पर भी वो हमारी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं। और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया, ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और ऐ पैगंबर, हमने तुमसे पहले किसी आदमी को बकाए दवाम नहीं बख्शा, भला अगर तुम मर जाओ तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे? हर शख्स को मौत का मजा चखना है, और हम तुम लोगों को सख्ती और आसूदगी में आजमाइश के तौर पर मुब्तला करते हैं, और तुम हमारी तरफ ही लौट कर आओगे। और जब काफिर तुमको देखते हैं तो तुमसे हंसी करते हैं कि क्या यही शख्स है जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र बुराई से किया करता है, हालांकि वो खुद रहमान के जिक्र से मुनकिर हैं। इंसान कुछ ऐसा जल्दबाज है कि गोया जल्दबाजी ही से बनाया गया है। मैं तुम लोगों को अनकरीब अपनी निशानियां दिखाऊंगा तो तुम मुझसे जल्दी ना करो। और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब की ये वईद है वो कब आएगा? ऐ काश काफिर उस वक्त को जाने जब वो अपने चेहरों पर से दोजख की आग को रोक न सकेंगे, और न अपनी पीठों पर से, और न उनका कोई मददगार होगा, बल्कि कयामत उन पर यकायक आ वाक होगी और उनके होश खो देगी, फिर तो न वो उसको हटा सकेंगे और न उनको मोहलत दी जाएगी। और तुमसे पहले भी पैगंबरों का मजाक उड़ाया जाता रहा है, तो जो लोग उनमें से तमस्खुर किया करते थे उनको उसी अजाब ने जिसकी हंसी उड़ाते थे आ घेरा। कहो कि रात और दिन में रहमान से तुम्हारी कौन हिफाजत कर सकता है? बात यह है कि ये अपने परवरदिगार की याद से मुंह फेरे हुए हैं। क्या हमारे सिवा इनके और माबूद हैं कि इनको मसाइब से बचा सकें? वो आप अपनी मदद तो कर ही नहीं सकेंगे और न हमारी तरफ से उनकी रिफाकत होगी, बल्कि हम इन लोगों को और इनके बाप दादा को मुतमत्ते करते रहे, यहां तक कि इसी हालत में इनकी उम्रें बसर हो गईं। क्या ये नहीं देखते कि हम जमीन को उसके किनारों से घटाते चले आती हैं? तो क्या ये लोग गलबा पाने वाले हैं? कह दो कि मैं तुमको वही के मुताबिक खबरदार करता हूं, और बहरों को जब तंबीह की जाए तो वो पुकार को सुनते ही नहीं। और अगर इनको तुम्हारे परवरदिगार का थोड़ा सा आजाब भी पहुंचे तो कहने लगे कि हाय कमबख्ती, हम बेशक गुनाहगार थे, और हम कयामत के दिन इंसाफ की तराजू खड़ी करेंगे तो किसी शख्स की जरा भी हक तलफी न की जाएगी, और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम उसको ला मौजूद करेंगे, और हम हिसाब करने को काफी हैं।
और हमने मूसा और हारून को हिदायत और गुमराही में फर्क कर देने वाली और सरतापा रोशनी और नसीहत की किताब अता की, यानी परहेजगारों के लिए जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं और कयामत का भी खौफ रखते हैं। और ये मुबारक नसीहत है जिसे हमने नाजिल फरमाया है, तो क्या तुम इससे इनकार करते हो? और हमने इब्राहिम को पहले ही से हिदायत दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ थे जब उन्होंने अपने बाप और अपनी बिरादरी वालों से कहा कि ये कैसी मूर्ति हैं जिनकी परस्तिश पर तुम लोग जमे हुए हो। वो कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को इनकी परस्तिश करते देखा है। इब्राहिम ने कहा कि तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी खुली गुमराही में पड़े रहे। वो बोले, क्या तुम हमारे पास वाकई हक लाए हो या हमसे खेल की बातें करते हो? इब्राहिम ने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार आसमानों और जमीन का परवरदिगार है जिसने इनको पैदा किया है, और मैं इस बात का गवाह और उसी का कायल हूं। और अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूंगा। फिर उनको तोड़कर रेजा रेजा कर दिया, मगर एक बड़े बुत को न तोड़ा ताकि वो उसकी तरफ रुजू करें। कहने लगे कि हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया? वो तो कोई जालिम है। लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहिम कहते हैं। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें। जब इब्राहिम आए तो बुत परस्तों ने कहा कि इब्राहिम, भला ये काम हमारे माबूदों के साथ तूने किया है? इब्राहिम ने कहा, बल्कि ये इनके इन बड़े बुत ने किया होगा, अगर ये बोलते हो तो इनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक तुम ही बेइंसाफ हो। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचा कर लिया। इस पर भी इब्राहिम से कहने लगे कि तुम जानते हो ये बोलते नहीं। इब्राहिम ने कहा, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीजों को पूजते हो जो न तुम्हें कुछ फायदा दे सकें और न नुकसान पहुंचा सकें? तुफ है तुम पर, और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो उन पर क्या तुम अक्ल नहीं रखते? तब वो आपस में कहने लगे कि अगर तुम्हें इससे अपने माबूदों का इंतकाम लेना और कुछ करना है तो इसको जला डालो और अपने माबूदों की मदद करो। हमने हुक्म दिया, ऐ आग सर्द हो जा और इब्राहिम पर सलामती वाली बन जा। उन लोगों ने बुरा तो इनका चाहा था, मगर हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया और इब्राहिम और लूत को उस सरजमीन की तरफ बचा निकाला जिसमें हमने अहले आलम के लिए बरकत रखी थी। और हमने इब्राहिम को इसहाक अता किए और उसके बाद मजीद याकूब भी, और हमने सबको नेक बनाया था और हमने उनको पेशवा बनाया कि हमारे हुक्म से हिदायत करते थे और उनको नेक काम करने और नमाज पढ़ने और जकात देने का हुक्म भेजा, और वो हमारी ही इबादत किया करते थे। और लूत का किस्सा याद करो, जब उनको हमने हिकमत नबूवत और इल्म बख्शा और उस बस्ती से जहां के लोग गंदे काम किया करते थे बचा निकाला, बेशक वो बुरे और बदकिरदार लोग थे, और उन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया। कुछ शक नहीं कि वो नेक किरदारों में थे। और नूह का किस्सा भी याद करो, जब इससे पेशतर उन्होंने हमें पुकारा तो हमने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनको और उनके साथियों को बड़ी घबराहट से नजात दी, और जो लोग हमारी आयतों की तकजीब करते थे उन पर नुसरत बख्शी। वो बेशक बुरे लोग थे, सो हमने उन सबको गर्क कर दिया। और दाऊद और सुलेमान का हाल भी सुन लो, कि जब वो एक खेती का मुकदमा फैसल करने लगे जिसमें कुछ लोगों की बकरियां रात को चर गईं और इसे रौंद गई थीं, और हम उनके फैसले के गवाह थे, तो हमने फैसला करने का तरीक सुलेमान को समझा दिया, और हमने दोनों को हिकमत नबूवत और इल्म बख्शा था, और हमने पहाड़ों को दाऊद का मुसख्खर कर दिया था कि उनके साथ तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी मुसख्खर कर दिया था, और हम ही ऐसा करने वाले थे। और हमने तुम्हारे लिए उनको एक तरह का लिबास बनाना भी सिखा दिया ताकि तुमको लड़ाई के जरर से बचाए, बस तुमको शुक्रगुजार होना चाहिए। और हमने तेज हवा सुलेमान के ताबे फरमान कर दी थी जो उनके हुक्म से उस मुल्क में चलती थी जिसमें हमने बरकत दी थी, यानी शाम की तरफ, और हम हर चीज से खबरदार हैं। और बड़े बड़े जिन्नात को भी उनके ताबे कर दिया था कि उनमें से बाज उनके लिए गोताखोरी करते थे और इसके अलावा और काम भी करते थे, और हम उनके निगहबान थे। और अय्यूब को याद करो, जब उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और जो उनको तकलीफ थी वो दूर कर दी, और उनको बाल बच्चे भी अता फरमाए और अपनी मेहरबानी से उनके साथ उतने ही और बख्शे।
और इबादत करने वालों के लिए ये नसीहत है, और इस्माइल और इदरीस और जुल्किफल को भी याद करो, ये सब सब्र करने वाले थे और हमने उनको अपनी रहमत में दाखिल किया, बिला शुबा वो नेकुकार थे। और मछली वाले पैगंबर यानी यूनुस को याद करो, जब वो अपनी कौम से नाराज होकर गुस्से की हालत में चल दिए और ख्याल किया कि हम उन पर गिरफ्त नहीं करेंगे, मगर फिर अंधेरों में अल्लाह को पुकारने लगे कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूं। तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनको गम से नजात बख्शी, और ईमान वालों को हम इसी तरह नजात दिया करती हैं। और जकरिया को याद करो, जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि परवरदिगार मुझे अकेला न छोड़ और तू तो सबसे बेहतर वारिस है, तो हमने उनकी पुकार सुन ली और उनको याहिया बख्शे और उनकी बीवी को औलाद के काबिल बना दिया। ये लोग लपक लपक कर नेकियां करते और हमें उम्मीद और खौफ से पुकारते और हमारे आगे आजिजी किया करते थे। और उन खातून यानी मरियम को भी याद करो जिन्होंने अपनी इफ्फत को महफूज रखा, तो हमने उनमें अपनी रूह फूंक दी और उनको और उनके बेटे को अहले आलम के लिए निशानी बना दिया। लोगों, ये तुम्हारी जमात एक ही जमात है और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तो मेरी ही इबादत किया करो। और लोग अपने मामले में बाहम मुतफर्रिक हो गए, मगर आखिर सब हमारी तरफ रुजू करने वाले हैं। अब जो नेक काम करेगा और मोमिन भी होगा तो उसकी कोशिश रायगा नहीं जाएगी, और हम उसके लिए सवाब आमाल लिख रहे हैं। और जिस बस्ती वालों को हमने हलाक कर दिया, महाल है कि रुजू करें, वो वापस नहीं आएंगे यहां तक कि याजूज और माजूज खोल दिए जाएं और वो हर बुलंदी से नीचे आ रहे हों, और कयामत का सच्चा वादा करीब आ जाए तो नागहां काफिरों की आंखें फटी की फटी रह जाएं और कहने लगे कि हाय शामत, हम इस हाल से गफलत में रहे, बल्कि हम खुद ही जालिम थे। काफिरों, उस रोज तुम और जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो दोजख का ईंधन होंगे और तुम सब उसमें दाखिल होकर रहोगे। अगर ये लोग दर हकीकत माबूद होते तो उसमें दाखिल न होते, सब उसमें हमेशा रहेंगे, वहां उनको चिल्लाना होगा और उसमें कुछ और न सुन सकेंगे। जिन लोगों के लिए हमारी तरफ से पहले भलाई मुकर्रर हो चुकी है, वो उससे दूर रखे जाएंगे यहां तक कि उसकी आवाज भी तो नहीं सुनेंगे। और जो कुछ उनका जी चाहेगा उसमें यानी हर तरह के ऐश और मजे में हमेशा रहेंगे। उनको उस दिन का बड़ा भारी खौफ गमगीन नहीं करेगा, और फरिश्ते उनको लेने आएंगे और कहेंगे कि यही वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे खतों का तूमार लपेट लेते हैं, जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया था उसी तरह दोबारा पैदा कर देंगे। ये वादा है जिसका पूरा करना लाजिम है, हम ऐसा जरूर करने वाले हैं। और हमने नसीहत की किताब यानी तौरात के बाद जबूर में लिख दिया था कि मेरे नेकुकार बंदे मुल्क के वारिस होंगे। इबादत करने वाले लोगों के लिए उसमें अल्लाह के हुक्मों की तबलीग है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कह दो कि मुझ पर अल्लाह की तरफ से यह वही आती है कि तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, तो क्या तुम फरमाबरदार हो जाते हो? फिर अगर ये लोग मुंह फेरे तो कह दो कि मैंने तुम सबको यकसां अहकाम इलाही से आगाह कर दिया है, और मुझको मालूम नहीं कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो अनकरीब आने वाली है या उसका वक्त दूर है। जो बात पुकार कर की जाए वो उसे भी जानता है, और जो तुम छुपाते हो वो उससे भी वाकिफ है, और मैं नहीं जानता शायद वो तुम्हारे लिए आजमाइश हो, और एक मुद्दत तक तुम उससे फायदा उठाते रहो। पैगंबर ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, हक के साथ फैसला कर दे, और हमारा परवरदिगार जो बड़ा मेहरबान है उसी से उन बातों में जो तुम बयान करते हो मदद मांगी जाती है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो कि कयामत का जलजला एक हादसा अजीम है। ऐ मुखातब, जिस दिन तू उसको देखेगा उस दिन ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे, और लोग तुझको मदहोश नजर आएंगे हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे बल्कि अजाब देखकर मदहोश हो रहे होंगे। बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की शान में इल्म के बगैर झगड़ते और हर शैतान सरकश की पैरवी करते हैं,
जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो उसे दोस्त रखेगा तो वो उसको गुमराह कर देगा और दोजख के अजाब का रास्ता दिखाएगा। लोगों, अगर तुमको मरने के बाद जी उठने में कुछ शक हो तो हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया था, यानी इब्तिदा में मिट्टी से, फिर उससे नुतफा बनाकर, फिर उससे खून का लोथड़ा बनाकर, फिर उससे बोटी बनाकर, जिसकी बनावट कामिल भी होती है और नाकिस भी, ताकि तुम पर अपनी खालिकियत जाहिर कर दें। और हम जिसको चाहते हैं एक मियाद मुकर्रर तक पेट में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालते हैं, फिर तुम जवानी को पहुंचते हो और बास कबल अज पीरी मर जाते हैं और बास बुढ़ापे की निहायत खराब उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ जानने के बाद बिल्कुल बेइल्म हो जाती हैं। और ऐ देखने वाले, तू देखता है कि एक वक्त में जमीन खुश्क पड़ी होती है, फिर जब हम उस पर मेह बरसाते हैं तो वो शादाब हो जाती और उभरने लगती है और तरह तरह की बारौनक चीजें उगाती है। इन कुदरतों से जाहिर है कि अल्लाह ही कादर मुतलक है जो बरहक है, और ये कि वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, और ये कि वो हर चीज पर कुदरत रखता है, और ये कि कयामत आने वाली है उसमें कुछ शक नहीं, और ये कि अल्लाह सब लोगों को जो कब्रों में हैं जिला उठाएगा, और लोगों में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की शान में बगैर इल्म के और बगैर हिदायत के और बगैर किताब रोशन के झगड़ता है और तकब्बुर से गर्दन मोड़ लेता है ताकि लोगों को अल्लाह के रस्ते से गुमराह कर दे। उसके लिए दुनिया में जिल्लत है और कयामत के दिन हम उसे अजाब आतशे सोजा का मजा चखाएंगे। ऐ सरकश, ये उस कुफर की सजा है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा है, और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। और लोगों में बाज ऐसा भी है जो किनारे पर खड़ा होकर अल्लाह की इबादत करता है, अगर उसको कोई दुनियावी फायदा पहुंचे तो उसके सबब मुतमईन हो जाए, और अगर कोई आफत पड़े तो मुंह के बल लौट जाए, यानी फिर काफिर हो जाए। उसने दुनिया में भी नुकसान उठाया और आखिरत में भी, यही तो साफ नुकसान है। ये अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारता है जो ना उसे नुकसान पहुंचाए और ना फायदा दे सके, यही तो परले दर्जे की गुमराही है। बल्कि ऐसे शख्स को पुकारता है जिसका नुकसान फायदे से ज्यादा करीब है। ऐसा दोस्त भी बुरा और ऐसा साथी भी बुरा। जो लोग ईमान लाए और अमले नेक करते रहे, अल्लाह उनको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जो चाहता है करता है। जो शख्स ये गुमान करता हो कि अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में मदद नहीं देगा, तो उसको चाहिए कि ऊपर की तरफ यानी अपने घर की छत में एक रस्सी बांधे, फिर उससे अपना गला घोंट ले, फिर देखे कि आया ये तदबीर उसके गुस्से को दूर कर देती है। और इसी तरह हमने इस कुरान को उतारा जिसकी तमाम बातें खुली हुई हैं, और ये याद रखो कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। जो लोग मोमिन यानी मुसलमान हैं, और जो यहूदी हैं और सितारा परस्त और ईसाई और मजूसी और मुशरिक, अल्लाह उन सब में कयामत के दिन फैसला कर देगा। बेशक अल्लाह हर चीज से बाखबर है। क्या तुमने नहीं देखा कि जो मखलूक आसमानों में है और जो जमीन में है, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और चौपाए और बहुत से इंसान अल्लाह को सजदा करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका है, और जिस शख्स को अल्लाह जलील करे उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं। बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है। क्योंकि आयत सजदा तिलावत की गई, लिहाजा सामीन पर सजदा वाजिब है। ये दो फरीक एक दूसरे के दुश्मन अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ते हैं, तो जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा, उससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी, और उनके मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब वो चाहेंगे कि उस रंजो तकलीफ की वजह से दोजख से निकल जाएं, तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे, और कहा जाएगा कि जलने के अजाब का मजा चखते रहो। जो लोग ईमान लाए और अमले नेक करते रहे, अल्लाह उनको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके तले नहरें बह रही हैं। वहां उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और मोती, और वहां उनका लिबास रेशमी होगा, और उनको अच्छी बात की तरफ रहनुमाई की गई और खूबियों वाले मालिक की राह बताई गई। जो लोग काफिर हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से और मस्जिद हराम से, जिसे हमने लोगों के लिए यकसा इबादतगाह बनाया है, रोकते हैं,
खा वो वहां के रहने वाले हों या बाहर से आने वाले, और जो उसमें शरारत से कजरवी और कुफ्र करना चाहे तो उसको हम दर्द देने वाले अजाब का मजा चखाएंगे। और एक वक्त था जब हमने इब्राहिम को खाने काबा का मकाम बता दिया और इरशाद फरमाया कि मेरे साथ किसी चीज को शरीक न कीजो, और तवाफ करने वालों और कयाम करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को साफ रखा करना, और लोगों में हज के लिए ऐलान कर दो कि तुम्हारी तरफ पैदल और दुबले दुबले ऊंटों पर जो दूर दराज रस्तों से चले आते हों सवार होकर चले आए ताकि अपने फायदे के कामों के लिए हाजिर हों। और कुर्बानी की अय्याम मालूम में मवेशी चौपायों के जबह के वक्त जो अल्लाह ने उनको दिए हैं उन पर अल्लाह का नाम ले। अब उसमें से तुम खुद भी खाओ और खस्ता हाल जरूरतमंद को भी खिलाओ। फिर चाहिए कि लोग अपना मैल कुचैल दूर करें और मन्नतें पूरी करें और उस कदीम घर यानी बैतुल्लाह का तवाफ करें। यह हमारा हुक्म है। और जो शख्स अदब की चीजों की जो अल्लाह ने मुकर्रर की हैं ताजीम करे तो यह उसके परवरदिगार के नजदीक उसके हक में बेहतर है। और तुम्हारे लिए मवेशी हलाल कर दिए गए हैं सिवाय उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं, तो बुतों की पलीदी से बचो और झूठी बात से परहेज करो। सिर्फ एक अल्लाह के होकर और उसके साथ शरीक न ठहरा कर। और जो शख्स किसी को अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करे तो वो गोया ऐसा है जैसे आसमान से गिर पड़े, फिर उसको परिंदे उचक ले जाएं या हवा किसी दूर की जगह उड़ाकर फेंक दे। ये हमारा हुक्म है। और जो शख्स अदब की चीजों की जो अल्लाह ने मुकर्रर की हैं ताजीम करे तो ये काम दिलों की परहेजगारी से है। इनमें एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए फायदे हैं, फिर इनको उस कदीम घर यानी बैतुल्लाह तक पहुंचना और जबा होना है। और हमने हर एक उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीक मुकर्रर कर दिया है ताकि जो मवेशी चौपाए अल्लाह ने उनको दिए हैं उनके जबा करने के वक्त उन पर अल्लाह का नाम ले। सो तुम्हारा माबूद एक ही है तो उसी के फरमाबरदार हो जाओ और आजिजी करने वालों को खुशखबरी सुना दो। ये वो लोग हैं कि जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो सब्र करते हैं और नमाज आदाब से पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊंटों को भी हमने तुम्हारे लिए अल्लाह के शायर मुकर्रर किया है, उनमें तुम्हारे लिए फायदे हैं, तो कुर्बानी करने के वक्त कितार बांधकर उन पर अल्लाह का नाम लो, फिर जब पहलू के बल गिर पड़े तो उनमें से खाओ और कनात से बैठ रहने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। इस तरह हमने उनको तुम्हारे जेरे फरमान कर दिया है ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। इसी तरह अल्लाह ने उनको तुम्हारे जेरे फरमान कर दिया है ताकि इस बात के बदले कि उसने तुमको हिदायत बख्शी है उसे बुजुर्गी से याद करो। और ऐ पैगंबर, नेकुकारों को खुशखबरी सुना दो। अल्लाह तो मोमिनों से उनके दुश्मनों को हटाता रहता है। बेशक अल्लाह किसी खयानत करने वाले नाशुक्रे को दोस्त नहीं रखता। जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वो भी लड़ें क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है, और अल्लाह उनकी मदद करेगा, वो यकीनन उनकी मदद पर कादिर है। ये वो लोग हैं कि अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए, इन्होंने कुछ कसूर नहीं किया। हां ये कहते हैं कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से न हटाता रहता तो खानकाहें और गिरजे और यहूदियों के इबादत खाने और मुसलमानों की मस्जिदें जिनमें अल्लाह का कसरत से जिक्र किया जाता है गिराई जा चुकी होती। और जो शख्स अल्लाह की मदद करता है अल्लाह उसकी जरूर मदद करता है, बेशक अल्लाह तवाना है गालिब है। ये वो लोग हैं कि अगर हम इनको मुल्क में हुकूमत दे दें तो नमाज कायम करें और जकात अदा करें और नेक काम करने का हुक्म दें और बुरे कामों से मना करें, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। और अगर ये लोग तुमको झुटलाते हैं तो इनसे पहले नूह की कौम और आद और समूद की कौमें भी अपने पैगंबरों को झुटला चुकी हैं, और कौम इब्राहिम और कौम लूत भी, और मदियन के रहने वाले भी, और मूसा भी तो झुटलाए जा चुके हैं। लेकिन मैं काफिरों को मोहलत देता रहा फिर मैंने उनको पकड़ लिया, तो देख लो कि मेरा अजाब कैसा सख्त था।
चुनाचे बहुत सी बस्तियां हैं कि हमने उनको तबाह कर डाला कि वो नाफरमान थी, सो वो अपनी छतों के बल गिरी पड़ी हैं और बहुत से कुएं बेकार और बहुत से मजबूत महल वीरान पड़े हैं। सो क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की ताकि इनके दिल ऐसे होते कि उनसे समझ सकते और कान ऐसे होते कि उनसे सुन सकते। बात यह है कि आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल जो सीनों में है वो अंधे हो जाते हैं। और ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ हरगिज नहीं करेगा। और बेशक तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक एक रोज तुम्हारे हिसाब की रूह से 1000 बरस के बराबर है। और बहुत सी बस्तियां हैं कि मैं उनको मोहलत देता रहा जबकि वो नाफरमान थी, फिर मैंने उनको पकड़ लिया और मेरी ही तरफ लौट कर आना है। ऐ पैगंबर, कह दो कि लोगों, मैं तो तुमको खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला हूं, तो जो लोग ईमान लाए और काम नेक किए उनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है, और जिन लोगों ने हमारी आयतों में अपने ख्याल में हमें आजिज करने के लिए दौड़ धूप की वो अहले दोजख हैं। और हमने तुमसे पहले कोई रसूल और नबी नहीं भेजा मगर उसका यह हाल था कि जब वो कोई आरजू करता था तो शैतान उसकी आरजू में वसवसा डाल देता था, तो जो वसवसा शैतान डालता है अल्लाह उसको दूर कर देता है, फिर अल्लाह अपनी आयतों को मजबूत कर देता है, और अल्लाह इल्म वाला है हिकमत वाला है। गरज इससे यह है कि जो वसवसा शैतान डालता है उसको उन लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है और जिनके दिल सख्त हैं जरिया आजमाइश ठहराए, बेशक जालिम लोग मुखालफत में दूर जा पड़े। और यह भी गरज है कि जिन लोगों को इल्म अता हुआ है वो जान लें कि वो यानी वही तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, तो वो उस पर ईमान लाएं और उनके दिल अल्लाह के आगे आजिजी करें। और जो लोग ईमान लाए हैं अल्लाह उनको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है, और काफिर लोग हमेशा उसकी तरफ से शक में रहेंगे यहां तक कि कयामत उन पर नागहां आ जाए या एक नामुबारक दिन का अजाब उन पर आ वाके हो। उस रोज बादशाही अल्लाह ही की होगी और वो उनमें फैसला कर देगा। तो जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे वो नेमत के बागों में होंगे, और जो काफिर हुए और हमारी आयतों को झुटलाते रहे उनके लिए जलील करने वाला अजाब होगा। और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की फिर मारे गए या मर गए उनको अल्लाह अच्छी रोजी देगा, और बेशक अल्लाह बेहतरीन रिज्क देने वाला है। वो उनको ऐसे मकाम में दाखिल करेगा जिसे वो पसंद करेंगे, और अल्लाह तो जानने वाला है बुर्दबार है। ये बात अल्लाह के यहां ठहर चुकी है, और जो शख्स किसी को उतनी ही ईजा दे जितनी ईजा उसको दी गई फिर उस शख्स पर ज्यादती की जाए तो अल्लाह उसकी मदद करेगा, बेशक अल्लाह मुआफ करने वाला है बख्शने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और अल्लाह तो सुनने वाला है देखने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह ही बरहक है, और जिस चीज को काफिर अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो बातिल है। और इसलिए कि अल्लाह ऊंची शान वाला है बड़ा है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह आसमान से मेह बरसाता है तो जमीन सरसब्ज हो जाती है, बेशक अल्लाह मेहरबान है खबरदार है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है उसी का है, और बेशक अल्लाह बेनियाज है काबिले सताइश है। क्या तुम नहीं देखते कि जितनी चीजें जमीन में हैं सब अल्लाह ने तुम्हारे जेरे फरमान कर रखी हैं, और कश्तियां भी जो उसी के हुक्म से समंदर में चलती हैं, और वो आसमान को थामे रहता है कि जमीन पर न गिर पड़े मगर उसके हुक्म से, बेशक अल्लाह लोगों पर निहायत शफकत करने वाला मेहरबान है। और वही तो है जिसने तुमको हयात बख्शी फिर तुमको मारता है फिर तुम्हें जिंदा भी करेगा, और इंसान तो बड़ा नाशुक्रा है। हमने हर एक उम्मत के लिए बंदगी की एक राह मुकर्रर कर दी है कि उसी तरह वो बंदगी करते हैं, तो ये लोग तुमसे इस मामले में झगड़ा ना करें। और तुम लोगों को अपने परवरदिगार की तरफ बुलाते रहो, बेशक तुम सीधे रास्ते पर हो। और अगर ये तुमसे झगड़ा करें तो कह दो कि जो अमल तुम करते हो अल्लाह उनसे खूब वाकिफ है। जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते हो अल्लाह तुम में कयामत के रोज उनका फैसला कर देगा।
क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ आसमान और जमीन में है अल्लाह उसको जानता है? ये सब कुछ किताब में लिखा हुआ है, बेशक ये सब अल्लाह को आसान है। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जिनकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं फरमाई और न इनके पास इसकी कोई दलील है, और जालिमों का कोई भी मददगार नहीं होगा। और जब इनको हमारी साफ साफ आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो इनकी शक्ल बिगड़ जाती है और तुम इनके चेहरों में साफ तौर पर नागवारी देखते हो। ऐसा लगता है कि जो लोग इनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं उन पर हमला कर देंगे। कह दो कि मैं तुमको इससे भी बुरी चीज बताऊं, वो दोजख की आग है जिसका अल्लाह ने काफिरों से वादा किया है और वो बुरा ठिकाना है। लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाएं, और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं। इन लोगों ने अल्लाह की कदर जैसी करनी चाहिए थी नहीं की। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जबरदस्त है, गालिब है। अल्लाह फरिश्तों में से पैगाम पहुंचाने वाले मुंतखब कर लेता है और इंसानों में से भी। बेशक अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है। जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है वो उससे वाकिफ है, और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। मोमिनों, रुकू करते और सजदा करते और अपने परवरदिगार की इबादत करते रहो और नेक काम करो ताकि फलाह पाओ। चूंकि आयत सजदा तिलावत की गई है लिहाजा सामईन पर सजदा वाजिब है, और अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा जिहाद करने का हक है। उसने तुमको मुंतखब किया है और तुम पर दीन की किसी बात में तंगी नहीं की, और तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन पसंद किया। उसी अल्लाह ने पहले यानी पहली किताबों में तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और इस किताब में भी वही नाम रखा है। तो जिहाद करो ताकि पैगंबर तुम्हारे बारे में गवाह हो और तुम लोगों के मुकाबले में गवाह रहो। सो मुसलमानों, नमाज कायम करो और जकात दो और अल्लाह के दीन की रस्सी को पकड़े रहो, वही तुम्हारा दोस्त है। सो वो क्या खूब दोस्त है और क्या खूब मददगार है। صدق الله العظيم।